नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। ग्राम पंचायत खेड़ी रायमल में चार माह से बिजली ठप, अंधकार में 2000 की आबादी रह रही है। बताया जा रहा है कि चार महीने से ग्राम खेड़ी रायमल के ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं और गांव में बराबर बिलों को बांटा जा रहा है। इन बिल में बिजली विभाग द्वारा ज्यादा मात्रा में बिल वसूल रहे हैं। ग्राम के लोगों का कहना है कि चार महीने से ट्रांसफार्मर फूके हैं, फिर बिल किस बात के, हमारे गाँव के ट्रांसफार्मर बदल पाए जाए। ग्रामवासी लोकेंद्र सिंह, कुलदीप राणा, जीतू पलाश आदि का कहना है कि ट्रांसफार्मर जल्द बदल जाए जिससे ग्राम खेड़ी रायमल में उजाला हो सके। संवाददाता वीरेंद्र पराशर की खास रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कुलदीप राणा है, मैं ग्राम खेड़ी रायमल से रहने वाला हूँ। बिजली की समस्या कितने दिन से बनी है? बिजली की समस्या पिछली बार भी मैंने बताया था, शायद न्यूज़ में भी निकल गया था कि आज से एक साल से ऊपर होने को जा रही है, जो पूरा गांव अंधेरे में पड़ा है और इसकी सूचना पूरे बिजली विभाग को है डबरा में, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। आवेदन भी एजेंट में 25 की है, वो भी फूकी डली है, अभी भी गाँव में अंधेरा डला है। कई बार 63 की भी मांग की लेकिन 63 की नहीं आई। अब आप इस वक्त ये परेशानी है कि चलो अंधेरा है, उसको झेल रहे हैं सब लोग, लेकिन ऊपर से बिल, ये बिल जो है एक एक महीने के 600-700 रुपये बिल आ रहा है। अभी प्रेजेंट में मेरा ही बिल जो है 578 रुपये आया है एक महीने का। तो बस मैं इसी से परेशान हूँ कि इतना गांव में बिल क्यों आ रहा है। बराबर लाइट जल रही है? नहीं, जब लाइट ही, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको डीपी, ये फूकी डली है 25 की, गांव में पूरे में अंधेरा डला है, ये गांव वाले भी खड़े, किसी से भी पूछ सकते हो आप। डीपी फूकी पड़ी हुई है, फिर भी उसके बावजूद भी 500 रुपये, 500, 600, 700 रुपये महीने, 700 तक आ रहा है। क्या तुम्हारे घरों पर बाहर वो लगे हैं मीटर? नहीं, कोई मीटर नहीं है। मीटर की भी मैंने एक दो बार बिजली विभाग में बोला तो बोलते ठीक है, ऊपर से बिल पे डालते थे वो मीटर डिफेक्टिव, जबकि कोई मीटर नहीं है गाँव में। कुछ लोगों के लगे मीटर भी नहीं लगे हैं, लाइट भी नहीं चल रही है, फिर भी बिल आ रहे हैं। बराबर बिल आ रहे हैं। जी मैं अबू, मेरा नाम विद्याराम शर्मा, ग्राम खेड़ी रायमल। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि हमारी कई महीनों से डीपी फूकी पड़ी है और हम दो चार लोग डबरा विभाग में भी गए जहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। मेरा नाम विद्याराम शर्मा, ग्राम खेड़ी रायमल। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि हमारी कई महीनों से डीपी फूकी पड़ी है और हम दो चार लोग डबरा विभाग में भी गए जहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, तो उनसे बात की, उन्होंने भी यही कहा कि बिल तो आएगा और डीपी आपकी फूकी पड़ी है तो पैसा दो तब आपकी डीपी धरी जाएगी। अब कहने का मतलब यह है कि वो रिश्वत मांगते हैं। कितने पैसे मांग रहे थे? करीबन एक अधिकारी ने कहा कि 25-30 हज़ार के करीबन नाम है उसका।